रजत दलाल, इतने दिन से मैं बंदे को देख रहा हूँ, हर जगह पर इसका नाम आ जाता है। कभी एल्विश मैक्सटन के मैटर में घुसता है, कभी इसका मैटर होता है, जो कि रोज की बात है। ऑल्सो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कैसे आप जीत सकते हो एक रुपए में iPhone 15। यस, पिछले वीडियो में बोला था एंड बहुत लोगों को मिला, ये देखो प्रूफ। यस, आपको मजाक लगा है, इन भाई को मिल गया, एक और खिलाड़ी ने बाजी मार ली, आप भी जीत सकते हो, पूरा वीडियो देखना। सो जिन लोगों को रजत दलाल के बारे में नहीं पता, रजत दलाल रियल नहीं है, रजत दलाल एक मेटावर्स का अवतार है, क्योंकि रजत दलाल को किसी ने रियलिटी में नहीं देखा, सिर्फ इंस्टा लाइव पे दिखता है। रजत दलाल खुद को एक पावर लिफ्टर बोलता है, लेकिन सैडली खुद के ईगो का बोझ नहीं उठा पा रहा। रजत दलाल और नीरज चोपड़ा में एक चीज कॉमन है, दोनों ही जाट है, दोनों ही हरियाणा से आते हैं और दोनों की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है वेरियस रीजंस के लिए। नीरज चोपड़ा जैवलिन बहुत अच्छा फेंकता है, रजत दलाल सिर्फ फेंकता है, एक जहां जाता है गोल्ड लेके आता है, दूसरा जहां जाता है गैंग लेके जाता है। रजत दलाल इज द रीजन अगर आपके क्लब के बाउंसर को सोशल मीडिया स्टार बना दो। बट एंड में अगर देखो फायदा किसको होता है, मिस्टर रजत दलाल, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे कॉमेडी जॉनर होता है, जैसे रोस्टिंग जॉनर है, इनका एक अलग जॉनर है दंगा जॉनर, जिसमें सबसे टॉप क्रिएटर रजत दलाल है। एंड आई प्रॉमिस यू, जब तक ये वीडियो देख के खत्म करोगे कोई नया लफड़ा स्टार्ट हो जाएगा। ये लोग को ना अपना खुद का IPL शुरू करना चाहिए, लफड़ा प्रीमियर लीग। CSK की जगह पे रजत दलाल होगा, MI की जगह पे एल्विस भाई होंगे, राजवीर पंजाब की जगह पे होगा, बट रजत भाई एक चीज नहीं कर पाएंगे जो IPL करती है, अच्छी स्क्रिप्टिंग। बट अगर ऐसा कोई लीग हुआ तो दिल्ली के कैपिटल होंगे रजत दलाल, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे लीडर है, इसलिए कि कभी जीत नहीं पाते। मैं सोच रहा था एल्विश भाई पे एक और वीडियो रिलीज करूं, तब तक एल्विश भाई रिलीज हो गए, तो आप समझ रहे हो लफड़े चलते रहते हैं। हमारा जो नया शो है उसका नाम भी लफड़ा सेंट्रल है, बोलो। बहुत लोग अगेन ये बोल रहे थे कि थगेश भाई ने ही पूरे लफड़े ऑर्गेनाइज कराए, थगेश भाई ने ही सब फिक्स कराया है। देखो कुछ चीजें मैं आपको ना रिवील करूं तो ही बेटर है। आप सोच रहे भाई मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे नहीं चलनी रजत भाई की, वो सब उधर करो दिल्ली में, समझे। बट ऑनेस्टली रजत भाई तो वीडियो है, ओके बाजी मैंने माफ कर दो, कॉम्प्रोमाइज कर लेना जैसे आप हमेशा करते हो। कुछ भी हो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा तो मर्दानगी दिखानी है ना। यस, रजत भाई बोलते नो कॉम्प्रोमाइज दिस टाइम, लेकिन अगेन हर आदमी दो, और रजत भाई हर लफड़े के बाद तुरंत प्रमोशन कर देते, मतलब ये लोग का सही है, स्क्रिप्टेड लफड़े करो, 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ा लो सब, और फिर सब मिलके प्रमोशन करो, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे। आपको बेवकूफ बनाया रजत जलाल, हमेशा बोलते हैं I'm not scared of anyone, लेकिन जज्जर पुलिस वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी। कार भाई सभी को राम राम, मैं रजत दलाल, मेरा मैं राजवीर सिसोदिया का आपस में एक फाइट का चैलेंज था, कुछ अपशब्द भी बोले गए हैं, एक धमकी की वीडियो भी गई हुई है जो कि मेरी नादानी की वजह से हुई है। इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से जज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की है। रजत भाई हमेशा सबको बोलते थे इसकी हाइट इतनी छोटी है, इसके सर पे ये रख दूं, इसके सर पे वो रख दूंगा, हाइट किसकी भी छोटी बड़ी हो, हाथ तो कानून के ही लंबे होते हैं ना रजत भाई। वो लग रहा है वीडियो के बाद मार खाने वाला हूँ। अब रजत भाई ने सोचा थोड़े दंगे फसाद दूर रख के ट्रेनिंग पे फोकस करूं, टाइम टू लीव ऑल दिस कंट्रोवर्शियल स्टफ बिहाइंड एंड डू व्हाट आई डू बेस्ट। रजत भाई फिर तो फॉलोवर्स ड्रॉप हो जाएंगे, कंट्रोवर्सी छोड़ोगे तो फॉलोवर्स भी छोड़ देंगे रजत भाई। अब बात करते हैं कैसे आपको मिल सकता है आईफोन 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 27 मार्च को IPL का मैच है मुंबई और हैदराबाद के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करो My11 सर्कल ऐप, और आप भी अपनी टीम बनाओ, डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो एंड जीत सकते हो आईफोन 15। कैसे? कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है 1 रुपया। Yes, 1 रुपए, जैसे मैं बोलता हूँ यार हम किधर भी खर्च कर देते, मिलता नहीं हमें, लेकिन यहाँ पर अगर चांस है जीतने का तो क्यों नहीं। बट ये कॉन्टेस्ट सिर्फ कल 27 मार्च के मैच के लिए वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे ही दिए हुए लिंक से एक्टिवेट होगा। अगर पहले मिस किया है तो इस बार मत करना, टूर्नामेंट का हर मैच का मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है, तो सोचो और कितने बड़े प्राइज होंगे। तो बट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो एंड मेरा कोड यूज करना Thagesh23। तो डिपॉजिट करते हैं आपको 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा आपके My11 सर्कल अकाउंट में। हमने तो अपनी टीम बना ली है, यू मेक योर टीम फॉर मुंबई वर्सेस हैदराबाद मैच। देखो मैं जाट समाज से हूँ, अनूप भाई साहब हमारे जाट समाज से थे, वहाँ पे नितिन भाई हमारे गुजर समाज से थे, एल्विश भाई हमारे यादव समाज से हैं, हर समाज का बंदा ऑलमोस्ट वहाँ पे प्रेजेंट था। तो एक बहुत छोटी सी गुजारिश करूंगा मैं सामने आके सबसे कि भाई छोटी छोटी दिक्कतें छोटी छोटी गलतियां सबसे होती है, पिछले 2 महीने में मैंने कितनी करी है, अगर खुद से देखोगे तो तुम भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गलती करते ही हो, पर अगर उन चीजों की वजह से कोई कम्युनिटी एंकल बना देता है और कल को तुम्हारी वजह से 2 बिरादरियां लड़ रही है ना, तो उससे बेकार चीज कुछ नहीं हो सकती। देखो मैं भी हूँ रोस्टिंग समाज से, मैं भी आया हूँ लफड़े में, लेकिन रजत भाई को अगर आप देखो तो हमेशा ये बोलते रहते 36 बिरादरी 36 बिरादरी। मुझे भी डाउट हो रहा है
36 बिरादरी है ज्यादा है या फिर रजत भाई को 36 के आगे गिनती नहीं आती? फोन उठा ले मेरा, बहुत जरूरी बात करनी है। एक तो भाई का टैगलाइन है तगड़े होने पे ध्यान दो, पहले तुम तुम्हारी आवाज कम करने में ध्यान दो भाई। रजत भाई के एक्सीडेंट पे खून आए ना आए, उसके चिल्लाने से लोगों के कान में खून जरूर आएगा। ये बंदा जिस जिम में जाता होगा ना, जिम फ्लॉप हो जाता होगा कि साला ये जिम में आ रहा हम तो नहीं आ रहे। दिल्ली में लोग रात को इसलिए सेफ फील नहीं करते क्योंकि रजत दलाल आके कान में चिल्लाना दे। दिल्ली में वॉचमैन भी नहीं होते क्योंकि रजत भाई है ना, उनकी आवाज से लोग उठे रहते। रजत भाई को गाड़ी चलाने का चढ़ाने का बहुत शौक है। अब उंगली दिखा, घर के अंदर ही घुसाता हूँ, हम करवा लेंगे अपनी कल सही। ये बंदा जितनी गाड़ियां ठोकता है ना, उतना तो जीटीए में भी लोग नहीं ठोकते। जीटीए हरियाणा कब लॉन्च हुआ? रजत भाई एक टिप, यहाँ पे लीव मी अलोन बोल के पुलिस से भाग भी नहीं सकते, ये गलत है। रजत भाई को देखो, गाड़ी का नुकसान मैं झेल लूंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा, हम करवा लेंगे अपनी कल सही। रजत भाई आपको कोई इंश्योरेंस भी देता है? इंश्योरेंस के लिए हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों देखते हो, और आपकी तो दोनों ठीक नहीं। इतना हाइपर हो चुका है मेरा गुस्सा। रजत भाई एक ऐसे बंदे जिसका कार एक्सीडेंट अगर होता है ना, तो पुलिस के पास नहीं जाते, हॉस्पिटल नहीं जाते, लाइव आते। भाई यार ट्रक में फंस गए हैं, रोकेगा मलिक? रोकेगा, गाड़ी फंस गई है ट्रक में और इसको पता नहीं है हमारी गाड़ी फंसी हुई है भाई, प्लीज। ये इंस्टा का एडिक्शन है, ऑडियंस से अटेंशन की भूख, खुद की फटी पड़ी है, बाजू वाले को दिलासा दे रहा है, मालिक रोक देगा। मालिक डर मत। रजत भाई को लगता रहेगा अब यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो थोड़े फॉलोअर्स बढ़ा के जाऊँ। रजत दलाल एक और चीज बहुत करते, टोल ब्रेक। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वो यार टाइम लगता ना मेरे पे, पेटीएम करने का टाइम नहीं था, मैं लाइव था ना। टोल तोड़ दिया, पेटीएम करने का टाइम नहीं था इसलिए? भाई इतना टाइम तो मोदी जी के पास भी होगा कि टोल का पैसा भर दे। उन्होंने तो क्रिएटर्स का अवार्ड कर दिया जिसमें मेरे को नहीं बुलाया, नॉमिनेट कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे पे पेटीएम करने का टाइम नहीं था। टाइम नहीं था तो इंस्टा लाइव करने का टाइम बराबर होता है। हाँ मतलब फॉलोअर्स क्या आपके थोड़ी छोड़ के जाने वाले, काम धंधा थोड़ी है उनका। यस, ये 7 लाख की गाड़ी लेने का पैसा रहता है ये लोग के पास, लेकिन 70 रुपए का टोल नहीं भरेंगे। एक और चीज के लिए बंदा फेमस है, लाइव पे आके बुली करना लोगों को। वो सीनियर होते हैं ना जो आपको बुली करके टिफिन छीन लेते हैं बेसिकली। अरे जो कम में बात कर। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंगल चेंज कर, पीछे से लाइट आ रही है, शक्ल तेरी साफ नहीं आ रही। कैन सी नाउ? हाँ देख रहा हूँ। यस, सो बिकॉज़ ऑफ दैट मैं थोड़ा ट्रिगर हो गया और उसके वजह से आई स्टार्ट द लाइव, सो इट इज माय मिस्टेक। सो आई एम सेइंग, तो उसके वजह से मैं सॉरी। मेरी ऑडियंस को इंग्लिश नहीं आती, हंस मत। उसके वजह से मैं ट्रिगर हो गया, ठीक है? ट्रिगर नहीं, हिंदी क्या? ट्रिगर को हिंदी में बता। ओके, कान पकड़ के सॉरी बोल, पकड़ के सॉरी बोलता। कैमरा रख साइड में, दोनों कान दोनों हाथों से पकड़। रजत भाई को देखो, इतना बिग बॉस भी हिंदी में बात करने नहीं बोलते इतना रजत भाई बोलते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि रजत भाई अनपढ़ है, इसलिए क्योंकि उनकी ऑडियंस। बट एक और चीज रजत भाई बहुत अच्छी करते हैं, बुलिंग प्लस टीचिंग केमिस्ट्री। एक गाली देना, आते ही एक गाली सुना के दिखा है। माना रजत भाई तारीफ नहीं सिर्फ गाली सुनने की आदत है। बाल सही कर पहले, खड़े अरे सुन, बहुत टाइम है, कंघी लेके। वो बेचारे के घर वाले भी इतना फोर्स नहीं करते होंगे बाल ठीक करने के लिए। और नीचे जा, नीचे टच करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट वाली होल्ड कर, मैं 10 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9.1 9.2 होल्ड रख, 1.25 9.30। पर्सनल ट्रेनिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं? जितने लोग कोचिंग लेने की सोच रहे थे वो भी रोक देंगे, और आपको गिनती नहीं आती उसकी सजा वो क्यों भुगते? 10 की जगह 100 रेप्स मार दिया, आप भी ऐसे ही ट्रेनिंग करते हो क्या? 10 की जगह पे 100 रेप्स मार दिया, नहीं ना? तू कौन सी स्ट्रीम से? कॉमर्स। साइंस स्ट्रीम से? कॉमर्स। अरे फालतू, एक मिनट, कॉमर्स वालों से क्या प्रॉब्लम है? हाँ रजत, क्या प्रॉब्लम क्या है कॉमर्स वालों से? आपको काउंटिंग नहीं आती इसका मतलब गाली दोगे? आपके सीए ने वीडियो देख लिया ना, 30% टैक्स लगाएगा, फिर याद आएगी कॉमर्स वालों की। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? अभिषेक आनंद आपका नाम है, शरद कुमार आपके पिताजी का नाम है, January 5 की आपकी बर्थ डेट है 1995। 10वीं करिए डीएवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर बिहार से, 12वीं करिए डीएवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर बिहार से। फोन नंबर आपके इसमें 3 है हमारे पास, 8073918-5। ईमेल है anishka-73@gmail.com। तेरे एड्रेस है इसमें 2 16-Nagar फर्स्ट मेन स्ट्रीट, घर के पास में श्रीराम मेडिकल स्टोर स्ट्रीट। आईपी एड्रेस देता हूँ, 43.247.9
डैश 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 डॉट फाइव। भाई ज्योतिष व्योतिष भी हो क्या पार्ट टाइम? इतनी तो उनको इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे बारे में, मैं तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे को आपका डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। भाई ने इतना एक्यूरेट एड्रेस दिया, मैं तो एड्रेस डालू फिर भी जोमेटो वाला साला पूछता नहीं है। क्या फायदा एक्यूरेट एड्रेस होने का जब उधर जाने की हिम्मत नहीं रखते। बाकी लोग टूर पे जाते रजत भाई, परोल पे जाते, ये देखो रिक्शा चला रहे रजत भाई। रजत भाई ब्रांड नहीं मिल रहे, आप बेल के लिए पूरे पैसे खत्म हो गए। रजत भाई मैं आपको एक टिप देता हूँ, इतनी आप जो दिन रात गाड़ी चलाते हो इधर से उधर, कभी गाड़ी से आ रहा है कभी उधर से इधर गाड़ी आ रहा है, ओला ज्वाइन कर लो, जो कर रहे हो करते रहो, पैसा भी मिलेगा। यू नो रजत भाई कभी शेयर रिक्शा में ट्रेवल नहीं करते, मीटर में ही करते। इसलिए नहीं क्योंकि उनको जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके साथ कोई शेयर नहीं करना चाहता। बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में, माइक ड्रॉप। रजत भाई के साथ कोई कोलैब करने ही रेडी नहीं लगता है, उन्होंने दान धर्म भी इसी बहाने से शुरू किया है कि कोई उनके वीडियो में आ जाए। रजत भाई कभी 38 तो कभी 50 लोग लेके घूमते हैं। ये दोस्त है, ये लोग से उधारी लेके रखा था जो मांगने आ रहे। अर्पित बाला ने भी एक वीडियो में बोला था कि इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है रजत भाई के लफड़ों से। कलेश देखते हुए ना कभी किसी को ऐसा नहीं फील होगा यार मैंने टाइम वेस्ट किया। हाँ, मेरे को भी सच मानता हूँ सीखने मिला, लफड़े करके फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए। रजत भाई कुत्तों से बहुत प्यार करते, इतना तो इंसानों से नहीं करते, कुत्ते उन्हें इंसानों की तरह छोड़ के नहीं जाते ना। रजत भाई हमेशा बोलते समाज को कुछ मत बोलना, बोलना है सीधा मेरे को गाली देना, गाली खाने वाले काम क्यों करते हो। रजत भाई बट आपका मैंने YouTube चैनल सब्सक्राइब किया, रजत भाई ब्लॉगिंग शुरू कर रहे मैंने वो सब्सक्राइब किया, रजत भाई का इंस्टा फॉलो किया मैंने, उधर भी नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है, क्या है जब भी वीडियो आए तुरंत देखूं और रिपोर्ट मार सकूं। रजत भाई मैंने सुना है आप जब खाना बांटने आते हो तो लोग उसे सेवा कहते हैं, मैं तो उसे मीटअप बोलूंगा। मानता हूँ बहुत बड़े गुंडे हो आप, गुंडागर्दी करते हो, आपकी हर लफड़ा गुंडागर्दी से शुरू होता है लेकिन खत्म गांधीगिरी पे हो जाता है। लोग बोल रहे रजत ऐसी हरकतें कर रहा है उसके दुश्मन बहुत बढ़ गए होंगे, दुश्मन नहीं भाई सिर्फ इंस्टा फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। रजत दलाल सबको केज फाइट के लिए बोलता है कि केज फाइट करो, बहुत लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं, मैं भी करता हूं क्योंकि मेरे को लगता है रजत जैसा आदमी केज के अंदर ही होना चाहिए। बट ये कॉन्ट्रोवर्सी से हमें एक बात तो समझ गई, पहलवान अखाड़े में लड़ते हुए अच्छे लगते हैं लाइव पे नहीं। और जो भी लोग रजत भाई राजवीर भाई इनसे यू नो प्रेरित होकर ऐसे जॉनर में जाना चाहते तो उनको बता दो आपका सिक्योर एकदम फ्यूचर एकदम मेरे को दिख रहा है तिहार जेल के अंदर। अगर आप ये प्रोफेशन चुनते हो तो आपके साथ हमेशा कोई ना कोई खड़ा होगा, बिकॉज जेल के अंदर क्या ओवर पॉपुलेशन हो गई है। रजत दलाल ऐसा बंदा है जो स्ट्रेच बैंड होते हैं ना जिम में उसको कभी नहीं खींचता, पता नहीं फिर कॉन्ट्रोवर्सीज को क्यों खींचता है इतना। मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। एनीवेज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। पता नहीं मेरे को लग रहा था ये वीडियो बनाना चाहिए, कोई बोल नहीं रहा, कोई एड्रेस नहीं कर रहा, कोई ये क्वेश्चंस उससे पूछ नहीं रहा, तो मेरे को लगा मेरे को पूछना चाहिए। एंड आई होप स्पोर्टिंगली ले, क्या है बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट है ना। एंड वैसे भी हम मुंबई में है, मुंबई में यहाँ पे ये सब होके चला गया मुंबई में, समझे। कमेंट्स में मेरे को बताओ, आई नो मेरे को बहुत गाली पड़ने वाली है वीडियो के लिए रजत भाई के फैन से, क्योंकि क्या है बेरोजगार है ना। बड़ा मेरी ऑडियंस थक से ना, बताओ क्या ख्याल है आपका इस बारे में। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। एंड हमारा लफड़ा सेंट्रल का टीजर नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके देख लेना। एंड कल इसका ट्रेलर भी आ जाएगा, लफड़ा सेंट्रल का कल या परसों आ जाएगा, तो इसी चैनल पे आएगा महेश केशवाला वाले, तो वहां पे भी सब्सक्राइब करके रख देना, व्लॉग्स वगैरह भी डालते रहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट्स में है। ₹1 में आईफोन 15 जीत सकते हो, यस लिंक से डाउनलोड करोगे तो जीत सकते हो 1 करोड़, SUV कार्स एंड और भी बड़े प्राइजेस। एंड आपके डिपॉजिट पे एक्स्ट्रा 20% रियल कैश भी मिलेगा। सो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में, अभी क्लेम कर लो, नहीं ये भाई की तरह कोई और लेके चले जाएगा। ओके हरी अप।